वो जो भी स्किप्स का पूछ रहे हो जीडी लेफ्ट बाय इज योर आइडल बाय फेवरेट एसेट यू विल क्रिएट अ प्योर फ्यूजन गॉब्लिन बाय सोल का स्टोरी बाय योर व्यूज एंड ओवेज भाई बहुत ओजी लोगों को याद होगा ये लोग बाहर गए थे बर्लिन में 2025 मेरे लिए हर चीज का बेस्ट वर्जन होगा। बहुत सारे लोगों को गलत प्रूव करने की जरूरत है, यहाँ तक कि मेरे अपने लोगों को भी। हे गाइस, सो अभी जो आप लोगों ने फोटो देखा, ये अपना शूट रैप हुआ था अपने आईकू सोल के लड़कों के साथ, रॉनी और सौम्य के साथ। बाकी लड़के कुछ दिन बाद आएंगे, तो हम एक लार्ज स्केल वीडियो उन लोगों के साथ शूट करेंगे जब वापस आएंगे। जो भी स्किप्स का पूछ रहे हो, वो सीन क्या है ना, अभी तक कोई स्पेक्टर डिवाइड वाला टेक्नोलॉजी IRL आया नहीं है कि उसको स्ट्रीम पे भी बिठाओ और वीडियो भी शूट करवाओ। तो जैसे वो आएगा मैं करवा दूंगा, वो एक बंदे से वीडियो शूट करवाऊंगा और वही सेम बंदे से स्ट्रीम भी करवाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा ये चीज। फ्यूज ऑन मॉडल एंड गोल्डी भाई, गोल्डी भाई तो मिला नहीं मैं, बाकी जितना मैंने देखा है स्ट्रीम पे भी जैसे बहुत सही है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा उन्होंने भी। मॉडल भाई भी सेम मिला उनसे, तो क्रेजी है, इतना हम्बल, इतने सब इसके बाद भी, जबकि मैं कुछ ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो होते क्रेजी थोड़े से सब्सक्राइबर्स में भी। योर फ्यूज ऑन गॉब्लिन मस्त बनता है भाई, मस्त बनता है, गेम प्ले भी मस्त है, पसंद आता है उसको गेम प्ले भी। भाई योर फ्यूज ऑन ओवेज भाई बढ़िया बनता है भाई, वो भी उसको भी देखता था उस टाइम पे 2019 के टाइम पे प्रॉफिट नहीं थी। मतलब आप लोगों को वो याद है, बहुत ओजी लोगों को याद होगा, ये लोग बाहर गए थे बर्लिन में और जो जॉर्जो पुल का इन्होंने चिकन लिया था उसके पहले ओवेज ने एक नेड मारा था स्नाइपर टावर पे। वो नेड याद है इस चीज़ को, क्या हुआ था वो नेड में ब्रिज वाला टावर पे? हाँ भाई, क्या मोमेंट था वो, मेरे को इतना याद है ना, क्योंकि पहले मैं सैड हो गया कि यार ओवेज नॉक हो गया और फिर उसके नेड से पड़ जाता है वो। किस बात में था वो चीज़, मतलब मेहनत भी करी पर साथ होता है ना जब ऊपर वाला। फेवरेट एसेट वेल क्रिएटर जोकर की हवेली भाई, वो हंसी आती है भाई, इतनी कॉमेडी माँ की। इज योर आइडल भाई बताया तो यार, सबसे इंस्पायर्ड हूँ मैं जो अच्छे प्लेयर्स थे पुराने टाइम के, अभी भी जो है सबको देख के सीख लेता हूँ। अरे मैं हूँ यार, चल भाई तू यार जीडी लेफ्ट बाय इतनी गाइस। हम लोग कब से खेल रहे थे, ट्राई कर रहे थे ना, उनको भी पता ही था मेरे टीम मेट्स को, जिन्हें इसका पहले का भी पता था उनको कि मान्या ने ऑफर करा था मेरे को। एंड उसके बाद जब आया, तब जब आया था तब भी मैंने बोला था कि भाई नहीं जा रहा हूँ मैं, तो उसके बाद जब आया तो वो लोग भी अग्री कर रहे थे यार, उनको भी पता है क्या अपॉर्चुनिटी है क्या टीम में क्या, और तो वो लोग ने भी ऐसा कुछ करा नहीं, लफड़ा कि भाई मत जा मैं तो दोस्ती खत्म। अभी शोगन कहीं नहीं जा रहा, स्पैम मत करो। अभी भाई मैं कहीं नहीं जा रहा यार, देखो अभी क्या है ना कि वो लोग प्लेइंग फॉर में वो लोग वो सब खेल रहे ना, तो मैं प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए ना यार, तो इसकी वजह से मैं जो मिलेगा उनके साथ खेलूंगा अभी, समझ रहे हो, फ्री बैठने से अच्छा दिन में एक सेट टीम के साथ खेलूंगा, जो शाम को 8:40 में आऊंगा, फिर 8:40 से मैं ये करूंगा स्ट्रीम डेली करूंगा भाई। सोल का स्टोरी तो भाई हुआ यू था कि पिछले साल जब BGMS हुआ था, जब मैं था इनसेन में और ये लोग थे ब्लाइंड में, तब आप लोगों को पता होगा इस पावर का कुछ सीन हो गया था तो वो छोड़ के चला गया था, तब भी मेरे को मान्या ने पूछा था कि आना है क्या टीम में, तब जब ब्लाइंड में थे वो लोग, ब्लाइंड में थे और मैं इनसेन में था, तब उसने पूछा था और तब तो मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारी टीम नहीं बनी थी इनसेन वाली, और बढ़िया टीम थी उनके साथ खेलना था मेरे को, तो मैंने तब तो मना कर दिया था क्योंकि तब मेरे को इनसेन में खेलना था, लोग के साथ खेलना था अपने बॉयस के साथ, तब नहीं गया था मैं। फिर उसके बाद तो हम लोग ब्लाइंड चले गए थे, फिर ब्लाइंड में खेल रहे थे, फिर ब्लाइंड में हमारा थोड़ा डाउन डाउन चल रहा था, तो फिर जब ब्लाइंड के बाद जब हम GT में गए थे, GT में जब हम लाला के साथ टीम बना रहे थे, मैं डार्क लॉर्ड हर्ष और क्लच गॉड, तब मेरे को मान्या का कॉल आया था, BGS आई थिंक BGS खत्म हुआ था और उसके नेक्स्ट डे ही कॉल आ गया था कि ऐसा ऐसा सीन है वगैरह वगैरह, उसको चाहिए था कि मैं खेलूँ उसके साथ, ट्राई आउट देने बोल रहा था वो, तो मैं बोल रहा था ठीक है सही है। तब ऐसा हुआ था, तब मैं सोच रहा था कि अभी अभी कमिट कर ही दिया मैंने क्लच गॉड, किस क्लच गॉड को बोल दिया था मैंने और हम खेलने वाले ही थे, पूरा डन था हमारा, तब ऐसे छोड़ के जाना तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो ऐसे ऐसे छोड़ के जाना तो मेरे को बढ़िया लग नहीं रहा था। मैंने तब मान्या को भी यही बात बोली थी कि नहीं अब मैं और एक दो मेजर तो खेलूंगा यहाँ से, उसके बाद अगर फ्यूचर में कुछ रहा तो देख लेंगे। फिर हुआ यू कि वो लोग ने टीम का उनका टीम भी आ गया था, मतलब उन्होंने भी टीम में प्लेयर्स ले लिए थे नए नए, मैं भी सोच के बैठा था अब तो कुछ होगा नहीं, फिर हम BMPS में बाहर हो गए 1 point से और ये लोग भी जस्ट हमारे नीचे 2 points हो गए थे। फिर मान्या ने मेरे को एक बात बोली थी BGMS के टाइम, मैं बोला था जब मैं नहीं आया था BGMS के टाइम, तो उसने बोला था कि तू नहीं आएगा और तू बाहर हो जाएगा फिर तू मेरे को बोलेगा, ऐसा उसने बोला था, ऐसा उसने बोला। और फिर जब हम बाहर हो गए BMPS के, दोनों ही बाहर हो गए, मेरे को कॉल करा बोला वही हुआ जो मैंने बोला था, पर उसके साथ साथ वो भी बाहर हो गए, मेरे को ब्लेम करने लग गया कि भाई तू भी नहीं आया, मैं खुद खुद भी बाहर हो गया। मान्या को पहले से मान्या जानता था, नहीं BMPS हो गया उसके, उसने बोला ट्राई आउट दे दे, फिर हमने ट्राई आउट की ASG के नाम से, और ASG तो आप लोगों को पता नहीं है पर अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे होगे ना, तब ASG का भाई जो गेम जा रहे थे हमारे, हर अगला गेम 20 किल चिकन 25 किल चिकन, ये वो चिल सीन हो रहा था। तो फिर एक दिन में आई थिंक कुछ एक दिन में बहुत खतरनाक मारा था और फिर उसके नेक्स्ट डे उसने डन कर दिया था कि हाँ कर लेते हैं, और फिर इतना जो ये सोल किरमाड़ा वाला चल रहा था, फिर आप लोगों को लग रहा है 100 लोग खेल रहे वो आईडी से, भाई पूरा टाइम मैं ही खेला हूँ सारी आईडी, ASG से भी मैं खेला, वो DC रूट से एक दिन आया था मैं, फिर ये किरमाड़ा वाली तो मेरी आईडी है, इससे भी मैं खेला था, पूरा टाइम मैं ही खेल रहा हूँ, और हम बस ऐसे ही खेल रहे थे क्योंकि अनाउंसमेंट थोड़ा डिले होने वाला था, ये लोग भी अभी घर आ गए थे BMPS के बाद वगैरह सब, सौम्य भी घर आ गया था, सौम्य ने बोला था कि वो 5 तारीख तक आएगा, मान्या रियल स्क्रिप्ट राइटर है तो सर जो बोलता है हो जाता है। ड्रीम टीम इसमें हूँ अभी,
Bro, how was your parents support in starting में? Starting में ऐसा था, kill सीन है मेरे घर पे वैसे, I'm very happy. कि मेरे parents ऐसे हैं, मम्मी पापा दोनों ही supportive थे, भाई भी supportive था, भाई तो सबसे ज़्यादा था. मम्मी का ऐसा था कि मम्मी को बढ़िया लगता था जब मैं खेलता था. This is a simulation game virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take precautions and play responsibly. मजाक से बोल रहा हूँ. और फिर एक बार जब आ गया मैं इधर और सब सॉर्टेड हो गया सीन, मतलब कम्युनिटी में आया, सॉर्टेड हो गया सीन, अर्निंग वगैरह सब अच्छी था भाई. सबको ट्रॉफी देंगे गाइस, मॉडल भाई को भी, सबको, सबके लिए.